हाँ नमस्कार, कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे से दीपावली मनाई होगी तुम लोग, धूमधाम से मनाए होगे। और ये धूमधाम रुकना नहीं है, अब चैलेंजर सीरीज़ के रूप में नीट के लिए धूम मचानी है। तो अपने उत्साह, अपने अंदर की एनर्जी को मरने नहीं देना है, इसको और एनर्जी देना है। जैसे दिन पर दिन हम नीट की तरफ, हाँ तो दीपावली खूब अच्छे से धूमधाम से तुम लोग मनाए होगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने इस धूमधाम और चहलकदमी को कभी कम नहीं होने देना है, क्योंकि अब इसे पीएमटी की तरफ ले जाना है, नीट की तरफ ले जाना है, जैसे एनी हाउ हम नीट एग्जामिनेशन हिट कर सकें। तो एक मिनट का हम समय देते हैं कि ये वीडियो जो है अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लें। और 9th 10th अगर जो आपके छोटे भाई बहन हैं तो 9th 10th का जो चैनल है मैंने मिस्रा क्लासेस से अलग करके एडिकुल EDUKUL 9th 10th के नाम से स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर जा कर के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जैसे उन बच्चों को 9th 10th की क्लासेस मिलती रहे प्रॉपर। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं, तो एक मिनट जरा शेयर कर लीजिए कहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए, जैसे अधिक क्वेश्चन कर सकें। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। दिया गया फर्स्ट मेटासेंट्रिक, और ये यहाँ पर मैच द कॉलम है, ये ए है और ये बी है। इसमें आपको मैच करना है सही कौन सा है। पहला दिया गया है मेटासेंट्रिक, इधर क्या दिया गया है सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ क्रोमोजोम्स। दूसरा दिया गया है सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या है सेंट्रोमियर नियर एंड ऑफ द एंड ऑफ क्रोमोजोम्स। और नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, इधर दिया गया है सेंट्रोमियर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और ये दिया गया है टीलोसेंट्रिक, और इसका दिया गया है सेंट्रोमियर एट द टॉप। तो तुम्हें मैच द कॉलम है करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये दिया गया है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन आपका ये है, और चौथा ऑप्शन ये आपका दिया है। तो इनमें से आपको सही आंसर करेक्ट आंसर बताना है, और टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। देखिए और मैच करिए, सही ऑप्शन बताइए। थोड़ा क्विक आंसर दीजिए। स्नेहल का आंसर आ चुका है, और बताइए भाई। जल्दी जवाब बताइए, मैच द कॉलम है, सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो हम आंसर बताएंगे। जितेंद्र तुम्हारा आंसर गलत है, स्नेहल तुम्हारा आंसर सही है, स्नेहल ने सही जवाब दिया है। मैंने बताया है कि देखिए सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है मैच द कॉलम। पहला दिया गया मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में क्या होगा सेंट्रोमियर कहाँ पर पाया जाता है, क्रोमोजोम्स के सेंटर में पाया जाता है, तो पहले का ए होगा। तो पहले का ए कहाँ पर दिया गया, थर्ड ऑप्शन। फिर देखा जाए क्या दिया गया, सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर नियर एंड ऑफ द क्रोमोजोम्स, ये भी बात सही है। ये क्या दिया गया है सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द
सेंटर गलत बात है। तो इसका आंसर देखा जाए मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड आंसर सही है। तो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द सेंटर ऑफ क्रोमोजोम्स, फर्स्ट का तो ए सही है। फिर सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये तो नहीं है, ये क्या दिया गया, सेंट्रोमियर नियर एंड ऑफ द क्रोमोजोम्स। सेकेंड का सी एक्रोसेंट्रिक में क्या दिया है, एक्रोसेंट्रिक बी दिया गया है। मेटासेंट्रिक का तो तुम्हारा ए दिया है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, दूसरे का थर्ड दिया है, दूसरे का थर्ड, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सब मेटासेंट्रिक में सेम डिस्टेंस पर तो नहीं होता है, डिस्टेंस अनइक्वल होती है, ये तो गलत हो जाएगा, सेकेंड का थर्ड हो नहीं सकता। फिर एक्रोसेंट्रिक का सेकेंड सही है, और फिर टीलोसेंट्रिक का फोर्थ दिया है टेपर, ये भी सही है। यहाँ पर सेम डिस्टेंस न करके अनइक्वल डिस्टेंस कर दें तब सही होगा, यहाँ पर सेम डिस्टेंस न करके अनइक्वल कर दें, ये अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस कर दें तब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अब देखा जाए, क्योंकि सेकेंड तो किसी रूप में सही नहीं हो पा रहा है, दूसरा देखा जाए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन साइड में से सही है। तो पहला दिया गया है पोर्टर, इधर क्या दिया गया, गॉल्जी बॉडीज, दूसरा दिया गया सी डी डुवे, इसका क्या दिया गया, राइबोसोम, फिर पैलेट ईआर और कैमिलियो गॉल्जी दिया गया है लाइसोसोम, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है, सही इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन आपके सामने है और टाइम स्टार्ट होता है अब। तो ये क्वेश्चन है, करेक्ट मैच द कॉलम आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। ऊर्जा कहाँ थी दो चार क्लासों से, ऊर्जा बहुत गोल मार रही हो भाई, ऐसा मत करो। खैर जितने भी लोगों ने जवाब दिया है वेरी गुड, बिल्कुल 100% सही है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। फिर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमरलिंग परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन एस्टा बुलेरिया बाय एक्सचेंजिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन है राइजोइड एंड स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है गैमिट्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, नेक्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, और टाइम स्टार्ट होता है अब। थर्ड का जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ क्या बोले हो भाई, टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन तुम्हारा यह है, हेमरलिंग परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया एन एसिटा बुलेरिया बाय एक्सचेंजिंग, पहला ऑप्शन है राइजोइड एंड स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है गैमेट, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, चौथा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। जल्दी से आंसर बताइए भाई,
स्नेहल तुम्हारा आंसर गलत, जितेंद्र तुम्हारा भी आंसर गलत, अवधेश आंसर गलत, जितेंद्र गलत, ऊर्जा गलत, ऊर्जा बेटा सॉरी से कोई काम नहीं चलेगा, रेगुलर रहो समझे, रेगुलर रहोगी तभी सफलता मिलेगी। किसी का आंसर सही नहीं है, हैमरलिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट एस्टा बुलेरिया पर किया था, किसको एक्सचेंज करके, राइजोइड और स्टॉक को एक्सचेंज करके किया था, और जेनेटिक्स की बात चल रही है, ये एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो राइजोइड और स्टॉक को एक्सचेंज किया था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दिमाग लगाना, गलती मत करना, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द, देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन देखते हैं आप सही करोगे या नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल, तीसरा बैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। और टाइम स्टार्ट होता है अब। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, कायदे से मैंने बहुत घुमाया है क्वेश्चन को। ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द, पहला ऑप्शन प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा ऑप्शन यूकैरियोटिक सेल, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा ऑल ऑफ द अबव। आंसर बताना है आपको। केवल सिर्फ आंसर सही है किसका, स्नेहल का आंसर सही है, बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन जो हम सोच रहे थे वही तुम लोग कर बैठे। मैंने कहा है कि ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द, सबने यही बात कहा है कि ऑर्गेनेल्स केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। हम तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है या नहीं, आप कमेंट में हमें जवाब दो, राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है या नहीं, जल्दी बताइए। हम तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं राइबोसोम ऑर्गेनेल्स है या नहीं। तो सबने कहा है कि ऑर्गेनेल्स है, तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं या नहीं, यूकैरियोट में 80S पाए जाते हैं, तो इसका मतलब बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम तो पाया गया है दोनों में, इसका मतलब ऑर्गेनेल्स किस में, यूकैरियोटिक में भी है 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S, बैक्टीरिया में 70S, तो इसका आंसर होगा आल। देखिए मालूम होते हुए भी हमसे गलती हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन नीट में हम गलती कर बैठते हैं। हमने ये केवल पूछा है ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाते हैं, प्रो किस में इनमें से पाए जाते हैं, तो भैया माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब तो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, ये तो मैंने मानते हैं, लेकिन राइबोसोम तो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी,
प्रोकैरियोट में 70s टाइप के और यूकैरियोट में 80s टाइप के। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। तो ऑल आंसर सही होगा। हम सोच रहे थे वही गलती आप लोग कर बैठे। चलिए तो इसका आंसर ऑल सही होगा। और ये तुम ही नहीं, 99% बच्चे ये गलती कर बैठते हैं। और ये मैंने क्वेश्चन भी NCERT से ही उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है मेनली कहाँ पर होती है। पहला ऑप्शन दिया गया न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रोटोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन दिया गया साइटोप्लाज्म और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज। तो आंसर आपको बताना है और टाइम अब स्टार्ट होता है। तो बताइए भाई जल्दी से। शुभम का आंसर आ चुका है, स्नेहल का आंसर आ चुका है, ऊर्जा का आंसर आ चुका है, बाकी लोगों के आंसर अभी नहीं आए हैं। हसन का आंसर तो नहीं आया है। हसन देखिए सबने आंसर सही दिया है, आंसर है साइटोप्लाज्म। जितेंद्र तुम्हारे कहा है कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं आंसर सही है। सेल के अंदर चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, मेन एक्टिविटी कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स, आल। टाइम तुम्हारा स्टार्ट होता है अब। साइटोप्लाज्म है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सॉलिड मैट्रिक्स, आल। शुभम का आंसर आ चुका है। ऊर्जा का आंसर आ चुका है। तो आंसर तुम्हारा सही है इसका सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिन लोगों ने कहा है उनका आंसर सही है। तो साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। कैसा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब आगे कहानी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू किया जाए। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, पहला ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म। दूसरा है ऑप्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन आल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आल
non-living, non-living, and all living organism. ऑर्गेनिज्म और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। तो आंसर तुमको अब बताना है, आंसर तुम्हें बताना है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पहला ऑप्शन आल ऑर्गेनिज्म, दूसरा है आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा है आल नॉन लिविंग एंड आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल ऑफ द अबव। आंसर तुम्हें बताना है अब। सेकंड आंसर सही है स्नेहल का, आंसर सही है ऊर्जा का, आंसर सही है शुभम का भी, आंसर सही है, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 8, सेल थ्योरी आल्सो क्रिएट, ये दिया गया है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी also creates या created, पहला ऑप्शन दिया गया है physiological process, ये है physiological process, physiological process, दूसरा ऑप्शन देखा है, दूसरा ऑप्शन है बिहेवियरल प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन मैंने पूछा है सेल थ्योरी आल्सो क्रिएटेड, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बिहेवियरल प्रोसेस, तीसरा बोध, चौथा नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। शुभम का आंसर आ चुका है, वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छा कर रहे हो। स्नेहल तुम्हारा ऑप्शन गलत है, ऊर्जा तुम्हारा आंसर सही है, तो शुभम और ऊर्जा का आंसर सही है, स्नेहल तुम्हारा जवाब गलत है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टूड लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, क्वेश्चन ये दिया गया 9, ये दिया गया फिजिको, फिजिको केमिकल, केमिकल अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच टू स्टडी, स्टडी एंड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एस्कल्ट, एस्कल्ट, पहला ऑप्शन दिया गया है रिडक्टिविस्ट, पहला ऑप्शन है रिडक्टिविस्ट, दूसरा रिडक्टिविस्ट बायोलॉजी, बायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रिडक्शन डिवीजन, ये दिया गया रिडक्शन डिवीजन, डिवीजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन
टेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है रिडक्टियो नेस्ट बायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रिडक्शन डिवीजन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है टेरेंटोलॉजी और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। और ये क्वेश्चन का जवाब तुमको देना है, देखते हैं जो आप सही दोगे या गलत। वेरी गुड अवधेश, बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा है। ऊर्जा का भी जवाब सही है, स्नेहल का भी जवाब सही है, वेरी गुड। हम ये सोचते थे ये क्वेश्चन आप लोग गलत करोगे, लेकिन बहुत सावधानी से तुमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, वेरी वेरी गुड। क्योंकि ये मैंने जहाँ पर रामचंद्रन की पूरी स्टोरी लिखी है वहाँ से क्वेश्चन उठाया था। ज़्यादातर बच्चे साइंटिस्ट की स्टोरी छोड़ देते हैं, तो हमने वहीं से ये क्वेश्चन उठाया था, तुमने सही जवाब दिया, इसके लिए जितना भी धन्यवाद दें कम है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन यह है ट्रिपल हेलिकल हेलिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन कोलेजन डिस्कवर्ड या डिस्कवरी बाय। पहला ऑप्शन दिया गया है लेवेनहॉक, लेवेनहॉक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्लीडन, दूसरा ऑप्शन है स्लीडन, स्लीडन। तीसरा ऑप्शन है रेडाल्फ विर्चो, रेडाल्फ विर्चो। और चौथा ऑप्शन है रामचंद्रन, रामाचंद्रन। जवाब देना है अब, मतलब कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर्ड किया था, लेवेनहॉक ने, स्लीडन ने, या रेडाल्फ विर्चो ने, या रामाचंद्रन ने डिस्कवर्ड किया था, इसका जवाब तुमको देना है अब, देखते हैं। ऊर्जा का जवाब आ चुका है, स्नेहल का भी जवाब आ चुका है, जवाब बिल्कुल सही है, रामचंद्रन ने दिया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय। पहला ये दिया गया है फर्स्ट टाइम टाइम लिविंग सेल, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है लेवेनहॉक, लेवेनहॉक। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल या नन, चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। सही जवाब तुम्हें बताना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो देखते हैं क्या तुम लोग बताते हो। सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था, तो
ऊर्जा का भी जवाब सही है, वेरी गुड। और शुभम का भी जवाब सही है, स्नेहल का भी जवाब सही है, अवधेश का भी जवाब सही है, वेरी गुड। सही जवाब दिया सब लोगों ने। चलिए नंबर अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 12, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन। पहला ऑप्शन दिया गया है 1830, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1831, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1857 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1864। इनमें से मैंने पूछा है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को कब डिस्कवर्ड किया था, पहला 1830, दूसरा 1831, तीसरा 1857 और नेक्स्ट 1864। आंसर का जवाब तुम्हें देना है अब। सबने आंसर सही दिया है 1831 में दिया है, सही बात है, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। और सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट मैंने किया है, उसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी पर फिर हम आएंगे इस चैप्टर को कराने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेल डिस्कवर्ड इन या लिविंग सेल डिस्कवर्ड इन। क्वेश्चन नंबर 13 लिविंग सेल डिस्कवर्ड इन, ये दिया गया है लिविंग सेल डिस्कवर्ड इन। पहला ऑप्शन दिया गया है 1665, पहला 1665, दूसरा ऑप्शन 1661, तीसरा ऑप्शन 1664 और चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है 1674। सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। अवधेश भाई सिद्धांत तुम्हारा आंसर गलत है, ऊर्जा तुम्हारा सही है, स्नेहल सही है, शुभम सही है, वेरी गुड। सिद्धांत तुम्हारा ऑप्शन गलत है, तुमने थर्ड बोला है 1664, 74 में किया गया था। लिविंग सेल को कब डिस्कवर किया गया था 1674 में, सिद्धांत थोड़ा सा चूक गए। क्वेश्चन ये बहुत आसान रहते हैं और आसान क्वेश्चन ही हमको कभी कभी बहुत दुख पहुंचा देते हैं। खैर अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे और ये कमियां हम दूर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए क्या कह रहे हैं। सेल डिस्कवर्ड इन, ये दिया गया है सेल डिस्कवर्ड इन। पहला ऑप्शन 1665, दूसरा ऑप्शन 1661, तीसरा ऑप्शन वही ऑप्शन है 1664 और चौथा ऑप्शन है 1674। आपको आंसर वही है ऊपर वाले क्वेश्चन के ही, सही आंसर चूज करना है। बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है,
ये तो सबका सही होना चाहिए। और ऊर्जा का जवाब आया है, स्नेहल का जवाब आया है, अवधेश का जवाब आया है, जिनके भी जवाब आए हैं करेक्ट आए हैं, 100% करेक्ट हैं, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 है स्वीडन सेल थ्योरी गिवन फॉर, ये दिया गया है स्वीडन सेल थ्योरी, सेल थ्योरी गिवन गिवन फॉर। पहला ऑप्शन दिया गया है एनिमल एनिमल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लांट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लांट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। क्वेश्चन मेरा यह है कि स्वीडन ने जो सेल थ्योरी दिया है किसके लिए दिया था, एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, बोथ, नन। टाइम स्टार्ट होता है अब। तो किसके लिए दिया था, ऊर्जा का जवाब आया है, शुभम का जवाब आया है, सिद्धांत का भी जवाब आ चुका है, अवधेश का जवाब आया है, स्नेहल का जवाब आया है। जितने लोगों ने जवाब दिया है वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सेकंड, प्लांटों के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, स्वीडन सेल थ्योरी गिवन इन, ये क्वेश्चन है स्वीडन सेल थ्योरी थ्योरी गिवन इन कब दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1838, दूसरा ऑप्शन है 1839 और तीसरा ऑप्शन है 1840 और नेक्स्ट ऑप्शन है 1845। टाइम स्टार्ट होता है अब। स्वीडन ने सेल थ्योरी कब दिया था, शुभम तुम्हारा आंसर सही, अवधेश तुम्हारा भी सही, ऊर्जा का भी सही, स्नेहल का भी सही, और जितने भी जवाब दिए हैं सबका सही है। तो स्वीडन ने सेल थ्योरी कब दिया था, 1838 में दिया था, वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो हम तुमसे पूछें, क्वेश्चन नंबर 17, स्वान सेल थ्योरी गिवन इन, ये है स्वान सेल थ्योरी, सेल थ्योरी गिवन इन। स्वान ने सेल थ्योरी कब दिया था, पहला ऑप्शन वही 1838, दूसरा ऑप्शन 1839, तीसरा ऑप्शन ये 1840 और चौथा ऑप्शन 1845। आंसर तुम्हें बताना है स्वान ने सेल थ्योरी कब प्रपोज किया था, तो देखते हैं किसने सही किया है, स्नेहल, अवधेश, ऊर्जा, सबका आंसर सही है 1839 में दिया था। तो स्वान ने सेल थ्योरी कब दिया था, 1839 में, और स्वीडन ने कब दिया था, 1838 में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन हमने घुमाने का प्रयास किया है, अब देखते हैं तुम बचते हो या घूमते हो, यह समय डिपेंड, समय बताएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वान इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिया गया है स्वान। बायो में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये सन वगैरह पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन बायो में पूछे जाते हैं। स्वान इज, पहला ऑप्शन दिया गया है, यह है जर्मन जियोलॉजिस्ट, जर्मन जियोलॉजिस्ट
दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जर्मन बॉटनिस्ट जर्मन बॉटनिस्ट और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फोर्थ ब्रिटिश बॉटनिस्ट। ये दिया गया है ब्रिटिश बॉटनिस्ट। तो मैंने पूछा है क्वेश्चन ये है स्वान है जर्मन जियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश बॉटनिस्ट। टाइम स्टार्ट होता है अब। स्नेहल तुमने बहुत होशियारी दिखाई है, पूरी बात बताइए। हमने कहा है यह जर्मन बॉटनिस्ट है या जर्मन जियोलॉजिस्ट है, पूरी बात बताइए, आधी बात नहीं। इन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन सही है स्नेहल ने। ऊर्जा ने कहा है जर्मन बॉटनिस्ट, स्नेहल ने कहा है जर्मन जियोलॉजिस्ट। सेकंड क्या है? ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट स्नेहल ने कहा है, अवधेश ने कहा है ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। तीनों लोगों के जवाब, ऊर्जा का जवाब गलत है, स्नेहल का जवाब सही है, अवधेश का जवाब सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये क्वेश्चन यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल का यूनिक करेक्टर क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना। दूसरा ऑप्शन है वैक्यूल का पाया जाना। थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल का पाया जाना। और चौथा ऑप्शन है नन। तो प्लांट सेल का यूनिक करेक्टर क्या है? क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना, वैक्यूल का पाया जाना, सेल वॉल का पाया जाना, नन ऑफ दीस। टाइम स्टार्ट होता है अब। वेरी गुड, सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का करेक्टर है। प्लांट सेल का करेक्टर क्या है? सेल वॉल का पाया जाना। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। वेरी गुड, अगला देखा जाए क्या है। इस क्वेश्चन में घुमाने का प्रयास हमने किया है, देखते हैं घूमते हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है स्वान प्रपोज सेल थ्योरी फॉर। स्वान ने सेल थ्योरी किसके लिए दिया था? पहला ऑप्शन एनिमल, दूसरा ऑप्शन प्लांट, तीसरा ऑप्शन बोथ, और चौथा ऑप्शन नन। देखते हैं कौन सही बताता है। स्नेहल तुम्हारा जवाब गलत है, अवधेश का जवाब सही है, ऊर्जा का भी जवाब गलत है। स्नेहल तुमने कायदे से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, अवधेश ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वेरी वेरी अवधेश गुड।
तो श्वान ने सल्थोरी दोनों के लिए दिया था, एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी, और स्लीडन ने केवल प्लांट के लिए दिया था, एनिमल के लिए नहीं। तो अवधेश का आंसर सही है। तो श्वान प्रपोज सल्थोरी फॉर बोथ, एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी। स्नेहल ऊर्जा अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से तैयार नहीं किया है, आप मेरे वीडियो उठाइए और पढ़ाई शुरू करिए। देखिए ऊर्जा स्नेहल, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन कराए थे, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं कम से कम उसमें 6 या 7 क्वेश्चन तुमने गलत किए हैं, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा तैयार नहीं है। आज हम सेल यूनिट ऑफ लाइफ शुरू किए हैं, इसमें भी अभी तक 2 ऑप्शन तुमने गलत बताए हैं, इसका मतलब ये चैप्टर भी मेरा NCERT से तैयार नहीं है। आप क्या करिए, आप मेरे वीडियो उठाइए और सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ आप पूरा उसको पढ़ डालिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, वीडियो पढ़िए, NCERT पढ़िए, और तब चैप्टर आपका स्टार्ट ठीक से तैयार हो पाएगा। और अगर जो ऐसा नहीं करोगी तो 1-2 गलतियां ही हम पर बहुत भारी पड़ जाएंगी और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए गलती मत करिए, वीडियो उठाइए, NCERT उठाइए और पढ़ डालिए। सभी लोगों से मैं ये बात कह रहा हूँ, तो इसलिए आप, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या एनिमल एंड प्लांट, बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोस्ट ऑफ सेल, आर कंपोस्ट ऑफ सेल सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। पहला ऑप्शन दिया गया है स्लीडन, दूसरा ऑप्शन है श्वान, थर्ड ऑप्शन है रेडॉल्फ विर्चू, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज, मैंने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोस्ट ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये बात किसने कही थी, प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल्स और सेल के प्रोडक्ट की बनी होती है, स्लीडन ने कहा था, स्वान ने कहा था, रेडॉल्फ विर्चू ने कहा था, ऑल ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट होता है अब। हेमंत का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। स्नेहल का भी जवाब वेरी गुड सही है, बाकी लोगों के जवाब नहीं आए हैं। ये बात कही थी श्वान ने ये बात कही थी कि प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल्स और उनके कंपोनेंट की बनी होती है। ये बात किसने कही थी, श्वान ने कही थी, बाकी लोगों के जवाब नहीं आए हैं। तो ये बात श्वान ने कही थी, अब इतना हम मिटाते हैं।
फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। बहुत सोच समझ के जवाब दिया करो। देखिए, हो सकता है तुम्हारी जगह पर हम बैठते तो हमसे भी गलतियां होती, लेकिन विजयी वही होता है जो गलतियां नहीं करता है, गलतियां सुधार ले जाता है। जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है वही जंग जीत जाता है। तो मैक्सिमम प्रयास करिए कि क्वेश्चन फास्ट जवाब दिया करो और सही आंसर दिया करो। देखिए, फास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बायो का जो समय बचेगा उसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आप अच्छे से कर लोगे। अगर जो बायो पे ही टाइम आप लगा दोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिर टाइम कहाँ से निकालोगे। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट आंसर दिया करो, जिससे अपनी आदत बन जाए फास्ट आंसर देने की, और प्रयास ये किया करो कि गलतियाँ भी ना होने पाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। तो ये तो स्वान ने कहा था। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, शायद सीरियल सही है या नहीं भगवान जाने, देख लेना। मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, ये दिया गया है, ये दिया गया है मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान, स्वान टू गिव द सेल थ्योरी, द सेल सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। पहला ऑप्शन दिया गया है स्लीडन, स्लीडन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वान, स्वान। तीसरा ऑप्शन दिया गया है रेडॉल्फ वर्चू, रेडॉल्फ वर्चू। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आल, चौथा ऑप्शन दिया गया है आल। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी आप फाइनल शेप, मतलब स्लीडन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाइड करके फाइनल शेप किसने दिया है, स्लीडन ने, स्वान ने, रेडॉल्फ वर्चू या आल, सब ने। टाइम स्टार्ट होता है अब। अवधेश का जवाब आ चुका है, ऊर्जा का जवाब आ चुका है, स्नेहल का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। अवधेश का जवाब आ चुका है, हेमंत का जवाब आ चुका है, जावेद खान जी का जवाब आ चुका है। जितनी प्रशंसा करें उतना अच्छा है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पर तुमको हम बताते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट के लिए सेल थ्योरी किसने दिया था, तो प्लांटों के लिए स्लीडन ने दिया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल और प्लांट के लिए सेल थ्योरी किसने दिया था, तो किसने दिया था, स्वान ने दिया था। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लीडन और स्वान ने दिया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल सेल थ्योरी का शेप किसने दिया था, तो रेडॉल्फ वर्चू ने दिया था। तो सेल थ्योरी पे ही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। और समझना हमको अब ये पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा पीएमटी में पूछा जाता है, वहाँ पर हमसे गलतियाँ न हो, वही बहुत बड़ी बात होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर जवाब दिया। अगला देखा जाए क्या होता है, टर्म प्री एग्जिटिंग सेल, क्वेश्चन नंबर 23। टर्म प्री एग्जिटिंग सेल, एग्जिटिंग
सेल, प्री एग्जिटिंग सेल्स, या इसी को क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ऑमनिस, ऑमनिस सेलुला। सेलुली सेलुला, सेलुला रिलेटेड विथ, रिलेटेड विथ। हमें मालूम है ये आंसर तुम सब लोग दोगे, लेकिन क्वेश्चन कराते हैं जैसे एक बार रिवाइज भी हो जाए। पहला ऑप्शन है सिलिडन, दूसरा ऑप्शन है स्वान, तीसरा ऑप्शन है रेडाल्फ वर्चू, वर्चू, और नेक्स्ट ऑप्शन है आल। टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, रेडाल्फ वर्चू। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन तुमको कंफ्यूजन में डाल दे, थोड़ा दिमाग लगेगा, और दिमाग लगा लोगे तो ये बन भी जाएगा। स्वीडन एंड स्वान, स्वीडन एंड स्वान, स्वान सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, स्वीडन एंड स्वान सेल थ्योरी, डेड नॉट, डेड नॉट एक्सप्लेन, मतलब स्वीडन और स्वान की जो सेल थ्योरी है क्या एक्सप्लेन नहीं करती है। पहला ऑप्शन हाउ न्यू सेल, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब नई सेल कैसे बनती है ये बात नहीं बताती है। दूसरा ऑप्शन प्री एग्जिटिंग सेल, ये भी नहीं बताती है प्री एग्जिटिंग, एग्जिटिंग सेल्स। और तीसरा ऑप्शन है ऑमनिस सेलुली सेलुला, तीसरा ऑप्शन है ये ऑमनिस सेलुली सेलुला, और नेक्स्ट ऑप्शन है आल। टाइम स्टार्ट होता है अब, मतलब स्वीडन और स्वान की सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती है। पहला ऑप्शन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, दूसरा ऑप्शन प्री एग्जिटिंग सेल, तीसरा आपने सेलुली सेलुला, चौथा आल। टाइम स्टार्ट होता है अब। अवधेश तुम्हारा आंसर भाई गलत है, जावेद तुम्हारा भी आंसर गलत है। तो आंसर ऊर्जा का सही है, हेमंत का सही है, स्नेहल का सही है, इन किसी भी बात को एक्सप्लेन नहीं करता है स्वीडन और स्वान की सेल थ्योरी। न तो हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नई सेल कैसे बनती है इसको नहीं बताता है, प्री एग्जिटिंग सेल्स के बारे में नहीं बताता है, आमने सेलुली सेलुला के बारे में भी नहीं बताता है, तो इन बातों को नहीं बताता है। तो आंसर इसका क्या होगा, आल। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन यह है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 25 अकॉर्डिंग टू फाइनल शेप, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, पहला ऑप्शन दिया गया है आल लिविंग, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ, कंपोस्ट ऑफ सेल एंड
एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। दूसरा ऑप्शन ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग, ये दिया गया है प्री एग्जिटिंग एग्जिटिंग सेल्स। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन। टाइम स्टार्ट होता है तुम्हारा अब। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखते हैं कौन कौन से लोग सही देते हैं। वेरी गुड जावेद, तुम्हारा आंसर सही है। अवधेश, तुम्हारा आंसर सही है। स्नेहल, सही आंसर है। वेरी गुड, सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा ऑप्शन आल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, और तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन। सब ने जवाब सही दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। कल से थोड़ा और टफ क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे, और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी दूसरी बुक मत टच करना, क्योंकि बायो का पेपर टोटल एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, और एनसीईआरटी से ही हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल करके तुम्हारे सामने रखेंगे। और 9-10 की क्लास जो है एडिकुल 9-10 के नाम से, मिश्रा क्लासेस से अलग करके एडिकुल 9-10 के नाम से चैनल नया बनाया है। तो अगर तुम्हारे कोई भाई बहन है पढ़ने वाले, या तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे हैं, तो उनको आप बताइए कि एडिकुल 9-10 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उसमें साइंस पूरी पढ़ाई जा रही है, पूरी मैथ पढ़ाई जा रही है, रेगुलर लेक्चर डाले जा रहे हैं। और मिश्रा क्लासेस को भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और खुद पढ़िए, और अधिक से अधिक लोगों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, जिससे कंपटीशन हैवी हो। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, निखार उतना ज़्यादा आएगा, और नीट के उतना पास पहुँचते चले जाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक आज इतना, फिर उसके बाद कल। ओके।